हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में कुछ जानकारी और ये फाइल बनाने की मेथड को दिखा रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में सर्वे करके उसके बारे में लिखकर फाइल को तैयार कर सकते हैं, जो कि ये आप लोगों के लिए BA थर्ड सेमेस्टर एवं MA सेकेंड सेमेस्टर में काम आएगी। इस फाइल का बनवाया जाता है इसको, तो आप लोग देख लीजिए कितने ही बेहतरीन तरीके से इस फाइल को बनाया गया है। फिगर चिपकाया गया है इस पर और इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, कैसे कैसे लिखा गया है। तो देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस फाइल को बनाया गया है और इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट है वही सब लिखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक फिगर लगाया गया है, जो ये फिगर आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र में जा कर के फ़ोटो खींच करके कंप्यूटर बेस द्वारा निकलवा करके यहाँ पे पैच कर सकते हैं इस फाइल पे। आप लोग कलरफुल पेज वाली फाइल लीजिएगा, जिसे देखने में सुंदर लगे। अक्सर कहा जाता है कि सुंदर लोगों पे लोगों का ध्यान ज़्यादा ही आकर्षित होता है, इसलिए आप लोग अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को सुंदर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का तस्वीर लगाया गया है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित केंद्र है। प्रत्येक आंगनबाड़ी लगभग 400 से 500 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। हर 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती हैं, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, ठीक है। जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य सेविका कहा जाता है। और ये हर 400 से 500 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। सभी लोगों के गांव में जानते ही हैं आंगनबाड़ी केंद्र होगा ही। आप वहां पर से जाकर के बच्चों के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं, वहां के बारे में क्या है, कैसे है, सब कुछ लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। पहला है एक मानव जो 63 वर्ग मीटर प्रति 650 वर्ग फुट से कम ना हो, ठीक है। दूसरा है बरामदा 6x15 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा वह बाधा मुक्त होना चाहिए। तीसरा, खेल का मैदान, खेल की सामग्री होनी चाहिए। और चौथा है साफ एवं स्वच्छ रसोई घर। रसोई घर की लंबाई चौड़ाई क्या है, 6x3 वर्ग मीटर होनी चाहिए। और पांचवा है 2x3 वर्ग मीटर के बाल हितैषी शौचालय होना चाहिए। छठवां है विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। सातवां फर्नीचर व पंखे, बिस्तर, ये सभी होना चाहिए। ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की जो मुख्य सेविका हैं आंगनबाड़ी वो हैं, और यहाँ पर कुछ तस्वीर लगाए गए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा गए थे सब लोग, तो वहीं तो है। और यहाँ पर देखिए तस्वीर लगाया गया है आंगनबाड़ी केंद्र का, बच्चों के साथ जो छात्राएँ हैं वो बैठ के फ़ोटो खिंचवाई हैं उसका लगाई हैं। अब देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण, ठीक है, आपका एक पॉइंट हेडिंग होगा आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण। इसमें क्या है, इसे ग्रामीण बाल्य देखभाल केंद्र को भी कहते हैं। भारत सरकार ने 1975 में इस केंद्र को एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत शुरू किया था। इसका उद्देश्य बच्चों को विशेष पोषण तथा सुरक्षा प्रदान कराना है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरक पोषण, अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी हैं। जैसे देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में कितनी सामग्रियां आती हैं, इस समय तो रिफाइंड है, दाल है, और क्या है, दलिया है, ये सब मिलता है जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं और जो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको देने के लिए, और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए खेल, दवा, हर एक चीज़ मतलब उपलब्ध होती है आंगनबाड़ी केंद्र में, ठीक है। अगला देखिए अब क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ छात्राएँ हैं, फ़ोटो ले करके ये निकलवा करके इस अपने फाइल में लगा दी हैं, जिससे कि
आपका देखने में फाइल भी सुंदर लग रहा है, इससे आपको नंबर भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्ट देखिए इसमें क्या लिखा है। मैंने 18/1/2023 दिनांक को बनारस शहर का नाम मतलब बनारस का है कि केंद्र का भ्रमण किया। यह आंगनबाड़ी केंद्र भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा संचालित होता है। इस केंद्र में निम्न सुविधाएं पाई गई हैं। पहला है आंतरिक संरचना। आंगनबाड़ी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल से लगा हुआ है, वहां पर खेलने का पर्याप्त स्थान, रसोई घर, संग्रह तथा खाना खाने के लिए पृथक स्थान है। बिल्डिंग में 6 कमरे थे जहाँ 1 इंचार्ज और 2 हेल्पर उपस्थित थे। अगला देखिए क्या है, इधर देखिए बच्चों की तस्वीर लगे हुए हैं आंगनबाड़ी केंद्र के। और देखिए यहाँ पर दूसरा हेडिंग क्या है आपका, सफाई और स्वच्छता। आंगनबाड़ी में साफ उबला हुआ पानी पीने की व्यवस्था थी, शौचालय की साफ सुथरा था, खाना बनाने व परोसने वाले बर्तन तथा स्थान भी पर्याप्त तो साफ सुथरा था। तीसरा है अन्य उपकरण, वजन तौलने की मशीन, खाना बनाने व परोसने के बर्तन, संग्रह करने के बर्तन, चटाई, अलमारियां, मेज, कुर्सी व अन्य फर्नीचर थे। दवाई की किट, सैनिटरी सामान व बच्चों को पढ़ने लिखने के सामान भी उपयुक्त मात्रा में थे। देखिए यहाँ पर उसका फिगर बनाया गया है, खेलने के सब फिगर लगा हुआ है। ये आंगनबाड़ी रूम है यहाँ का। अगला देखिए यहाँ पर भी तस्वीर लगा हुआ है बच्चों को खेलने के लिए पूरा, इधर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला सब लगे हुए हैं क्लास में। चौथा है रिकॉर्ड बुक, बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर तथा पूरक पोषण की पूर्ति तथा वितरण का रजिस्टर बनाया गया है। पांचवा है समय अवधि, आंगनबाड़ी केंद्र को कुल 4 घंटे के लिए खुलता था, 11 बजे खुलकर 3 बजे बंद होता, 12 बजे पूरक आहार बच्चों को मिलता था। अगला देखिए क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं। पहला है स्वास्थ्य परीक्षण, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है मेडिकल सेवाएं, चौथा है पूरक पोषण। यहाँ पर देखिए फोटो लगा हुआ है आंगनबाड़ी जो आके मुख्य सेविका हैं उनका तस्वीर है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र का सर्वे करके फाइल बना सकते हैं। ये BA 3rd semester एवं MA 2nd semester में काम आएगा। इसको आप बेहतर चलाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।